अर्जुन कपूर की फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है और रिलीज होते ही फैंस की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म के ट्रेलर में अर्जुन कपूर एक खुफिया अधिकारी के रूप में दिखाई दिए हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अर्जुन कपूर चार लोगों की टीम के साथ देश के सबसे बड़े वांटेड की तलाश में लगे हुए हैं। बता दें कि दर्शकों को फिल्म का ट्रेलर बेहद ही ज्यादा पसंद आया है और उन्होंने ट्विटर के जरिए अपने रिएक्शन दे डाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट। इंडियाज मोस्ट वांटेड ट्रेलर नहीं बवाल है ये तो। नाउ इट कैन बी सेड दैट अर्जुन इज बैक। बाबा यू विल रॉक इट एज प्रभात। कांट वेट फॉर मूवी। मार्क द डेट 24 मई 2019। अपना टाइम आ गया रिजवी जी। ग्रिपिंग कीप्स यू हुक्ड। ट्रेलर ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड स्टार्स अर्जुन कपूर डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता। आई रियली डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस वाटर ट्रेलर। अर्जुन यू आर ट्रूली हीरो। कांट वेट फॉर इंडियाज मोस्ट वांटेड। यू आर आउटस्टैंडिंग। लव द ट्रेलर। गाइस गो वॉच ट्रेलर नाउ। सुपर ऑसम ट्रेलर। तो देखा आपने, फैंस को इंडियाज मोस्ट वांटेड का ट्रेलर बेहद ही ज्यादा पसंद आ रहा है। राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें हैं। इससे पहले राजकुमार गुप्ता ने अजय देवगन के साथ रेड जैसी हिट फिल्म बनाई थी। ऐसे में दर्शकों को उम्मीद है कि ये फिल्म हिट हो सकती है। वहीं बात करें अर्जुन कपूर की, तो पिछले साल उनकी फिल्म नमस्ते इंग्लैंड रिलीज हुई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में अगर इंडियाज मोस्ट वांटेड बॉक्स ऑफिस पर चल गई तो ये फिल्म अर्जुन के करियर को एक बार फिर से पटरी पर ला सकती है। बता दें कि ये फिल्म 24 मई को थिएटर्स पर दस्तक देगी। वैसे आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जॉनर की आपकी फिल्म है बेहतरीन ट्रेलर है। थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने फिल्म में खूब छुपाया है अपने उसामा को, लेकिन असल में अगर मैं जानना चाहूँ कि आज इस समय जो हालात हैं भारत के, उसमें इंडिया का उसामा आपको कौन लगता है आप दोनों के हिसाब से? नहीं देखिए, ये तो ऐसे हो गया कि आज के ज़माने में आपको ये कैसे लगता है वो थोड़ा गलत हो जाएगा, बिकॉज जेन्यूनली जो सर्कमस्टांसेस हमने डिपिक्ट किए फिल्म में, जो राज सर ने कहानी लिखी है, जो कहानी बोली जा रही है, जो जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वो उतना बड़ा खतरा था। उसके बाद हिंदुस्तान सुरक्षित रहा है, इसलिए इतना बड़ा खतरा आया नहीं है हिंदुस्तान में। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आज के समय में कोई ऐसा है, बिकॉज हमारे जो लोग हैं जो इस वक्त दे आर मेकिंग श्योर, द इंटेलिजेंस रॉ हो गई, IB हो गए, जितने सारे लोग काम करें, दे मेड श्योर दैट दिस हैज नॉट हैपेंड आफ्टर। तो आज के समय में आई थिंक वी आर इन अ सेफर एनवायरनमेंट, एंड दैट्स थैंक्स टू द पीपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दोज अनसंग हीरोज, दोज ऑफिसर्स दैट एवरी डे आर आउट देयर। हम आज बैठे बात कर रहे हैं बहुत आराम से, मुंबई शहर में सैकड़ों ऐसे अफसर है जो घूम रहे होंगे ताकि वो इन्फॉर्मेशन जमा कर सके, ताकि कभी भी एक और ओसामा ना पैदा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं तहे दिल से ये चाहता हूँ कि ये कहानी हो जो ऐतिहासिक हो, इस समय में हम देख के समझ पाए कि ये बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, और उसके बावजूद हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो एजेंट्स हैं, दे केम टुगेदर, दे मैनेज टू मेक श्योर दैट समथिंग लाइक दिस डजंट हैपन अगेन। बट आज के समय कोई ऐसा है नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ। हाय अर्जुन जी, आप इस पर आपका कुछ अलग? नहीं, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, और जो लोग हैं जो अनसंग हीरोज हैं वेरियस एजेंसीज के, वो इतना अपनी जान जोखिम में रखकर हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, और मुझे ये लगता है कि वी शुड थैंक देम। जैसा कि अर्जुन ने कहा, वी होप दैट देयर इज़ नोबडी एल्स आउट देयर, एंड द एजेंसीज आर द अनसंग हीरोज फ्रॉम द एजेंसीज आर मेकिंग श्योर दैट देयर इज़ नोबडी लाइक दैट, एंड वी शुड थैंक देम। सो मुझे यही लगता है कि जो 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 एक इंडियाज ओसामा कहा जाने वाला विच वी आर टॉकिंग अबाउट हैज ऑलरेडी बीन कैप्चर्ड, एंड वी होप दैट देर इज़ नोबडी आउट देर, एंड इवन इफ देर इज़ समबडी आर एजेंसीज आर मेकिंग श्योर दैट दे मेक अस सेफ, एंड वी शुड थैंक देम। दैट्स द फिल्म दैट्स the intention of the film. क्योंकि आप फिल्म देश की सुरक्षा पे बात करती है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। मसूद अजहर सर, ऐसा लग रहा है कि आप आज ही इंटरव्यू आज ही खत्म कर देंगे। आइए मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, उसके बाद तेरे पास वापस आता हूँ ना। पूछ नहीं, अभी आपने सवाल शुरू किया, लेकिन उसके बाद कई सारे लोग हैं। सभी का रिएक्शन आया है, उनको मतलब ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, आपका इस पर रिएक्शन क्या है? बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द कंट्री, जिस द कंट्री हैज़ बीन ट्राइंग टू यू नो गेट दिस मैन टू बी कॉल्ड अ ग्लोबल टेररिस्ट, और वो आज हुआ है, तो ये बहुत ही बड़ी विक्ट्री है
है कंट्री के लिए. और आई होप दैट दिस मैन हु हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डेथ यू नो इज़ ब्रॉट टू जस्टिस एज सून एज पॉसिबल. जी बिल्कुल, मैं राज सर की बात से सहमत हूँ. आई थिंक पूरा हिंदुस्तान सहमत है. यूएन ने फाइनली अग्री किया है कि ही इज़ अ थ्रेट एंड इट इज़ अबाउट टाइम दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड वी ऑल कैन सी हाउ द गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी प्रोएक्टिव फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स ट्राइंग टू गेट हिम टू बी कॉल्ड अ थ्रेट. And now that he is, I hope action is taken and we can bring him to justice soon for all the innocent lives lost. Ji ma'am. Arjun, this must have been a very different space for you, like playing an unsung hero. So how easy or difficult it was? And secondly, are you making a conscious decision of choice of films you're taking? जब commercial picture करते हैं तो लोग बोलते आप conscious effort कर रहे हो वो वैसे role. So the thing is, you know, what you do, what is offered to you. Sometimes things happen. जैसे मैं कह रहा था फिल्में आपके पास कभी कभी आती है. Sometimes accidentally, sometimes because you're destined to, sometimes you take a chance. Today it seems like it is different, but when I was signing it, genuinely I was not looking at how different it will be in my filmography. It was a director I wanted to work with. I have to be very honest. I was very close to working with him in the past also, and I've been very keen to work with him. I love his films. I went with the man's conviction. He has made a film, if I give you the script, you will imagine a film that is very gritty, very real, but he's made a cinematic film. And that is something which you can see in the trailer. Jab aap duniya dekhte ho na, actually kya hai, it's a film about people who are stuck in a situation. Ab wo kitna aap kheech sakte ho, lekin inhone jis tarah ki kahani boli hai, isiliye aapko alag bhi lag rahi hai, because inhone cinematic bhi banai hai, saath mein honest bhi rakhi hai. So I don't consciously try. I mean, see, I'm working on a period film. So next you'll ask me, was that a conscious effort? Yes, I would like to do different kind of films. Every actor does. But jo aata hai, aap unme se hi chun paate ho. Espionage kahe ya thrillers kahe ya you're talking about unsung heroes where you're not playing to the gallery as the mainstream commercial hero. It is exciting. It is scary. It is challenging. But jo sur inhone pakda hai. मैंने नहीं सोचा था पोस्टर ऐसे होंगे, मैंने नहीं सोचा था ट्रेलर ऐसे होंगे. तो उसका पूरा श्रेय टीम को जाता है, जो मार्केटिंग कैंपेन है उसे जाता है, ताकि जो हम कहना चाह रहे थे फिल्म के थ्रू वो सिर्फ डायरेक्टर जानता है. हम उसका हिस्सा हैं. सो आई थिंक द क्रेडिट फॉर इट लुकिंग यूनिक इज हिज एंड द टीम्स. इफ यू वॉन्ट टू गिव मी लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट, आई कैन से आई टुक दैट चांस बिकॉज आई बिलीव्ड इन द टीम. सो या आई गेस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट. आई थिंक ऑल्सो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरी जैसा कि इन्होंने कहा और आपने देखा, मेरी फिल्में ग्रिटी होती हैं, पर उसमें इक्वली हाथ होता है एक एक्टर का, एक्टर्स का, स्टार का. जिस तरीके से हम शूटिंग करते हैं, रियल लोकेशंस में करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में करते हैं जहाँ पे आपको पे कंट्रोल ना हो, और उस समय एक एक्टर डायरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत कुछ डिक्टेट करता है कि किस तरह से वो फिल्म में दिखे. सो मेरी फिल्मों में आई हैव बीन लकी एंड स्पेशली इन दिस फिल्म, बिकॉज दिस हैज़ बीन माय ग्रेटेस्ट फिल्म एंड नॉट इन द कंट्री, इट्स ऑल्सो आउटसाइड कंट्री एंड वी हैव शॉट इन रियल लोकेशंस, वी हैव शॉट इन हाईवेज, पटना एंड इट्स अ फर्स्ट फिल्म दैट हैज़ बीन शॉट इन पटना. सो आई मस्ट थैंक ऑल ऑफ देम एंड स्पेशली अर्जुन दैट he was up to that task. He was so enthusiastic about being wherever I wanted him to be. And it's not only only a credit to me, it's equally credit to all my actors in all my films, and especially this film, because this has been a very difficult film to shoot. I would like to ask the director, Mr. Rajkumar Gupta, that you have been a trendsetter in many ways the beginning of your career, like Aamir and Jessica. So, and you raised the bar with your previous success, youth success, Ajay Devgan. So what is your feeling this time? I mean, are you anxious about how sir, bataiye, mujhe bhi feeling jaani hai, sir, bataiye na. No, I think you go with your conviction and you try and do your best. I think not only me, all of us, I must also thank, I must specially thank two people, my two producers, Fox Star Studio, Rucha, Myra, who read the first page that I had written and pushed me to make this film. So the credit goes not only to me, the credit goes to the team behind. And as I said, it's a lot of times, you know, when you are making the film, you can see what actors also go through, what technician goes through, my DOP who is sitting there. My editor who is there, my executive producer who is sitting there, my line producer who is there, my associate director who is sitting there, my marketing team who is there, my costume designer who is there. So everybody puts in their effort. Everyone puts in their effort, and
that's how it comes together. I have been fortunate to be working with Amit Trivedi and Amitabh Bhattacharya from the first film that I have done. And we have been a team for the all my films. So it comes together when you know, when with all your, whatever, you might have all the good intention. But unless and until you have a good team, people to back it up, I think I've been lucky that I have been fortunate to be getting people, cast and crew like that. And in this film, I must tell you, I got emotional a lot of times when we were shooting, because it was so uncontrolled situation, but yet Arjun, other members of the team, they gave their best. And when you see the film, you will see which all sequences we are talking about. So it just comes together when you have a good team and backed by a good script. And thoda moda mujh pe bharosa karte hain wo. And then we go ahead and make the film. Audience, aap bataiye aapki kya gut film ko leke. Hamara kaam hai film banana. Eventually to hame audience pe chhodni padti hai film. Aap bhi audience ka hissa hai, to aap log hi batayenge, aap sab batayenge. Yahan se hi to guftagu shuru hoti hai hamare filmon ki journey ki. Jab hum bana ke pesh karte hai, to this is the first step. So I think the media, the people sitting here and the people that will be talking and chatting on social media, they will tell us what the instinct and impulse on the film is. I think it would be wrong of us to speak about what the expectations are. I think the audience should decide that.